बस मैं इस तरह ही कहूंगा आम अल्फाज में कि मेरी जो डॉक्टरी है वो एक तरफ है, मेरा ही बिजनेस एक तरफ है, क्योंकि जो 10 में से 9 इसे जो रिस्क है वो तिजारत में है। इस तरह अगर इसको हम बिजनेस के पॉइंट से देखा जाए तो इसमें इनकम का सोर्स ज्यादा है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, हमारा पोल्ट्री का फार्म भी है 10,000 गोल्डन मिश्री का, उधर ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ती है। उसकी निस्बत हमारे जो रैबिट फार्म है इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और इसमें हमें उतनी ज्यादा हमें ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, इजीली मैनेज हम कर सकते हैं इसको। तो इसको जो है ना, मैं जो स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं मैं उनको ये प्रेफर करूंगा कि वो इस साइड पे, बजाय इसके कि जो नया फार्मर पोल्ट्री की साइड पे जाता है वो इसको, मैं कहता हूँ इसको प्रेफर करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है, जो इसकी ब्रीडिंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बरकत रखी है इसके अंदर अल्लाह ने, कि तकरीबन 40 डेज बाद आप दोबारा क्लच ले सकते हो इसका। साल में तकरीबन 9 से 10 दफ़ा आप इसे ब्रीड ले सकते हो। एवरी क्लच से जिस तरह ड्वार्फ्स हैं ये 3 से 4 बच्चे दे देती हैं, 5 भी दे देती हैं। जो अंगूरा हैं जाइंट हैं जिस तरह न्यूजीलैंड जर्मन जाइंट ये अंगूरा वगैरह, ये तकरीबन 8 से 9 10 तक भी हमारे पास पिछले महीने 12 बच्चे दिए हैं फीमेल ने। तो इस तरह भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। प्यारे भाई, पहले तो अपना मुख्तसरन तारफ करवाइएगा। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ MBBS 4th ईयर का, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। वैसे जो है ना, साइड बिजनेस के तौर पे चल रहा रैबिट का। डॉक्टर साहब, इंसानों का हॉस्पिटल बनाते, क्लिनिक बनाते, रैबिट फार्मिंग की फैक्ट्री लगा ली, ये ऐसे कैसे शौक पैदा हुआ? इस तरह था कि बचपन से शौक था जानवरों का, मुर्गों से लेके रैबिट्स तक, कुत्ते बिल्लियां सब को थोड़ा थोड़ा टच किया। लेकिन उस लिहाज से जो रैबिट्स हैं इस पे रुकने की ये वजह थी कि इनको जो है ना एक नई चीज़ है, इमर्जिंग है, इसमें जो है ना सेचुरेशन नहीं है मार्केट में, और एक स्टूडेंट और एक कोई भी जो है ना जिस तरह जॉब करता है बंदा वो इसको ईजिली मैनेज कर सकता है। मतलब आपको 24 घंटे की ड्यूटी नहीं चाहिए इस काम के लिए। बड़ा चलाक, शातिर, तेज, डिजिटल मार्केटिंग जानने वाला, ऑनलाइन वर्किंग करने वाला, मार्केटिंग करवाने वाला बंदा वही कामयाब है या आम एक पाकिस्तानी भी इस फार्मिंग में कामयाब है आपकी नज़र में? जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के आप पे डिपेंड करता है मार्केट को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जिस तरह पोल्ट्री है उसका भी सारा जा रहा है, इस तरह जो रैबिट्स के इसके पेजेस हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब है, आप जिस तरह अप्रोच करें, मार्केट है इसकी जिस तरह आप करें। सर, इतने महंगे महंगे रैबिट्स हैं, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? इसमें दो तरह के कस्टमर आते हैं हमारे पास, एक एज अ पेट लेके जाते हैं और एक जो फार्मिंग करना चाहते हैं। तो दोनों तरह के कस्टमर आते हैं, एज अ पेट ज्यादा आते हैं हमारे पास। एज अ पेट कौन से ब्रीड बेहतर है, एज अ मतलब फार्मिंग कौन सी ब्रीड आप रिकमेंड करेंगे? एज अ पेट इस तरह की जो जिस तरह अब ये ऑल्टरनेट एक तरह का बिल्लियों का, जिस तरह पर्शियन है उनसे अस्थमा होता था, तो इसलिए फिर इसमें जो हॉलैंड लूप है इसके जो है ना बफर नहीं होती और ये ट्रेन भी हो जाता है। हॉलैंड लूप है, लाइन हेड है, लाइन हेड डॉर्स, ये जो ना ट्रेन हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिब, कितनी देर पहले इस फार्मिंग का आगाज किया था आपने? अगर बिल्कुल देखा जाए तो तकरीबन 6 महीने पहले तक बिल्कुल जीरो पे थे, हमें बिल्कुल नहीं था पता इसके बारे में। और आज जीरो से हीरो हैं, ये तो वाह फैसला करें। कितने रैबिट से आगाज किया और आज माशाल्लाह कितने रैबिट्स हैं? हमने 5 रैबिट्स रखे थे छत पे अपने, सिर्फ देखने के लिए। बिल्कुल एक और बात मैं ऐड करता हूँ, हमने कतई तौर पे बिजनेस के लिए स्टार्ट नहीं था, कि सिर्फ एज अ पेट रखा था। तो एक छत पे थे 6 महीने पहले, आज एक फार्म पे हम, तो वो जो है ना आहिस्ता जो है ना तरक्की होती गई। चलिए बताइएगा, 5 के साथ आगाज किया, 5 की अगर फिजिबिलिटी मैं पूछूं तो 5 बर्ड्स के साथ, सॉरी एनिमल्स के साथ क्या प्लान, बिजनेस प्लान क्या बनेगा? बिजनेस प्लान ये, इसमें मुख्तलिफ ब्रीड है, जिस तरह अगर हम इंग्लिश अंगूरा की बात करें 50 से लेके 65 तक का पेयर मिलता है, तो उनके अगर एवरेज लगाई जाए 5 से 7 बच्चे वो देते हैं, तो वो अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 14,000 का उसका पेयर है जो हम सेल कर रहे हैं। तो ये आपको एक लमसम सा 45 से 50,000 के दरमियान ना आपको पर मंथ आ जाता है, पर मंथ 45,000 तकरीबन 5 के साथ अगर गाज करें जी, अगर वो करेगा। और फिर भाई एक पेयर के साथ 5 के एक पेयर का इतनी बचत है? तो सर आपके पास इतने ज्यादा पेयर्स हैं, आपकी इनकम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा होगी, इसलिए तो फार्म पे हैं। अच्छा चलिए ना सर, बताइएगा हर कारोबार में कोई खूबियां भी होती हैं, कोई खामियां भी होती हैं, कोई इसका खामी आपकी नजर में जो आपने जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खामी इसमें सिर्फ मैनेजमेंट की है। इसमें जो मोर्टेलिटी बहुत कम है वो आप किताब होती है जब आप बिल्कुल केयर ना करें इनको। इनको स्कैबीज होती है, वो अगर सफाई वगैरह होती रहे वो भी नहीं होती। मोशन लगते हैं वो आप खुश फीड दें, इनको हे होती है लूसन, 7 दिन के पैलेट्स होते हैं वो आप डालें, इन पे तजर्बे ना करें तो इंशाल्लाह ये मोर्टेलिटी नहीं होती इनकी। आजकल पोल्ट्री का ट्रेंड है, बेशुमार लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, या बेशुमार किस्म की फार्मिंग है, लोग रैबिट फार्मिंग की तरफ क्यों आए, चार्म इसमें क्या है?
इसमें चाम इस तरह के देखे ना, अब एक बंदा 70,000 का कुत्ता भी रख लेता है, ये इसको बेसिकली टारगेट करने के दो मकसद हैं। एक जो ये हमारे पास न्यूजीलैंड है ये मीट के पर्पस पे आएगी, और जो अंगूर है इसने वूल पे आना। इन दो के अलावा बाकी जितनी ब्रीड्स हैं 6 से 7 वो सारी एज अ पेट जा रही हैं। सर एज अ वूल एज अ मीट कौन खरीदेगा, कहाँ जाएगा कोई? ये मतलब फ्यूचर है इसका, फ्यूचर है, अभी इस पे वर्क हो रहा है, फ्यूचर है इसका। ये कितने साल लग जाएंगे इसे आम होते हुए? तकरीबन 1 से 2 साल लगेंगे इसको। अच्छा, दिन भर की रूटीन बताइए अपने रैबिट्स के पास, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको क्या खिलाते पिलाते हैं? हमने एक मुलाजिम रखा हुआ है, वो सारी टेक केयर करता है, हमारा सिर्फ ये हमने आगे देखना है कोई बीमार तो नहीं है, किसको स्कैबिस तो नहीं हो रही, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा ज्यादातर हमारा मेन फोकस होता है ब्रीडिंग पे, वो हम खुद ही करवाते हैं इधर आके। अच्छा, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई ये रैबिट फार्मिंग कोई टेक्निकल काम तो नहीं सीखना पड़ेगा? इतना नहीं है, मतलब हमने 6 महीने में बाईस तरह सीख जाता है। मजे की बात है इसमें, जिस तरह बाकी है ना उसके अंदर मोर्टेलिटी का बहुत खतरा होता है, इसमें आप घर पे रख के जो एक नया बंदा भी है वो इसको लेके चल सके। इनकी खुराक और वैक्सीनेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। इनकी ऐसा सच वैक्सीनेशन तो नहीं है, इनकी जो खुराक है उसमें फीड आती है इनकी, पैलेट्स होते हैं और इनकी इनका लोशन होता है, हे होता है, साथ इनको पानी है वो फिल्टर वाला यूज करवाते हैं, और उसके अलावा इनका सच नहीं है कोई। एक रैबिट साल में या दिन में कितना खर्चा करता है? एक अगर हम मंथ पे डिवाइड किए, जो एक ब्रीडर होता है वो एक महीने की तकरीबन कोई 700 से लेके 800-900 तक फीड खाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम और उससे इसके अंदर हमने इसकी बिजली मुलाजिम हर चीज करके जो डिवाइड करते हैं ऊपर रैबिट हमें 800 से 1,000 रुपए में पड़ रहा होता है। और प्रॉफिट की शरह बता रहे हैं 45,000 पर मंथ आ जाएगा। जबरदस्त बिजनेस आइडिया। सर बताइएगा कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह कितनी वैरायटीज अवेलेबल हैं? हमारे पास इस टाइम जो 6 वैरायटीज हैं, इंग्लिश अंगूरा, लाइन हेड, फूजी लूप में हमारे पास प्लेन व्हाइट और पांडा शेड में है, उसके साथ हमारे पास नीदरलैंड ड्वार्फ है और हॉलैंड लूप। जरा ब्रीड चेक करवाइएगा। ये हॉलैंड लूप है, इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन, इसका जो पेयर है वो तकरीबन 80,000 से 90,000 के, इसका जो बच्चों का पेयर है 25 से लेके 35 तक है। जबरदस्त। इसके बाद ये इंग्लिश अंगूरा जी, बड़ी फेमस ब्रीड है ये। हाँ जी, अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा फोकसिंग में मसला होगा, बहरहाल इसके बाद जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये कौन सी ब्रीड है? ये नीदरलैंड ड्वार्फ है। अच्छा, ये भी एज अ पेट जाती है, इसका तकरीबन 18 से लेके 20 तक पेयर है। जबरदस्त। नीचे कोई चुका अपनी कोठी में जी, कौन है वो? इसे ये भी इंग्लिश अंगूर है, ब्लू कलर में, ये फीमेल बच्चे देने वाली है। जबरदस्त। और ये ऊपर भी अंगूर है? ये फूजी लूप है, फूजी लूप व्हाइट में, ये इसकी फीमेल है। अच्छा, साथ ये लाइन हेड है, लाइन हेड। अच्छा, पिंजरों की लंबाई चौड़ाई क्या मतलब रखी जाती है? 3x2.5। ठीक है, एक पिंजरा, एक पिंजरा तकरीबन कितने में बन जाता है? ये जो बॉक्सेस और इनके सारे समेत जो है ना 20 से 21 तक पिंजरा पड़ जाता है। जबरदस्त। एसी वगैरह लगवाना पड़ेगा? जी, वो जब बरसात में नमी के लिए लगवाना पड़ता है वैसे। आप डॉक्टर साहब ये इंग्लिश अंगूर है, ब्लू कलर में, इंग्लिश अंगूर है, माशाल्लाह। और जी डॉक्टर साहब के पास ये जबरदस्त कलेक्शन है, ये फूजी लूप पांडा मेल है, ये फूजी लूप, ये भी इंग्लिश अंगूरा का मेल है जी, जबरदस्त। और ये न्यूजीलैंड वाइट है, न्यूजीलैंड वाइट, ये मीट पे जाएगा। तकरीबन सभी फार्मर्स ने तकरीबन ये ज्यादा ही रखे होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये न्यूजीलैंड ब्रीड जी, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। और ये वाली इंग्लिश अंगूरा है, इंग्लिश अंगूरा जी दिखाता हूँ। ये इंग्लिश अंगूरा के दो कलर से मेल है। डॉक्टर साहब आप नफीस इंसान हैं और नफासत पसंद भी हैं, सफाई माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त रखी है जिनकी, और सफाई रैबिट्स की बुनियादी मेरे ख्याल में शर्त है रैबिट फार्मिंग। बिल्कुल इस तरह ही है, इस तरह ही है। ये फूजी लूप पांडा फीमेल, इसने बच्चे दिए हुए, ज़बरदस्त। और ये देखें छोटे छोटे बनीस जी, ये हॉलैंड लूप का मेल है हमारा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसको हम ट्रेन कर रहे हैं, इसे ट्रेन किया जा सकता है आसानी से? ये बहुत आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। मैं एक और बात ऐड कर दूं, हमारे पास एक कस्टमर रिव्यू आया था कि लड़की ने घर पे रखे थे पिंजरे में, पिंजरा वो कहती थी मैं खोल देती थी और मैं खुला छोड़ देती थी, तो जब इन्होंने वॉशरूम करना होता था ये पिंजरे में जाके करते थे। ये हमारे पास एक कस्टमर रिव्यू है जो हमें नहीं था पता, ये ऐड हुआ हमारे पास। थोड़ी सी मेहनत करके इस इंटेलिजेंट ब्रीड को सदाया जा सकता है, ये बहुत आसानी से ट्रेन हो जाते हैं। जिस तरह कुत्ते का बच्चा उसे तैरना आता है, इस तरह इन्हें पता है हमने जो गंद है वो एक जगह पे करना है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सब मजीद वराइटीज
जी ये भी है, ये टैटूड फीमेल्स है हमारे पास दोनों, ये टैटू आप देख सकते हैं जी जी, ये थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, ये भी टैटूड फीमेल है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब वही रवायती क्वेश्चन बार बार हम पूछा करते हैं कि लोग कहते हैं रैबिट फार्मिंग का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं, कोई मार्केट नहीं, आप बताइएगा रैबिट फार्मिंग पाकिस्तान में कैसा बिजनेस है? देखिए बात जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप एक तरीके से आप एक प्रॉपर आप करें तो आपको इंशाल्लाह इसकी सेल परचेज में कोई मसला नहीं है। ठीक, सोशल मीडिया पे हो रही है मार्केट, इसकी ऐसा कोई नहीं है अभी, लेकिन सोशल मीडिया पे हो रही है इसकी सेल। चले रैबिट फार्मिंग में रिस्क कितने परसेंट रहता है? रिस्क इसका यही है कि जब के बच्चे होते हैं वो आप अगर केयर नहीं कर रहे तो उनके बच्चों की मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं 30-40%, और बाकी जो ब्रीडर है उस पर कोई इतना 2-3% चांसेस होते हैं उसकी मोर्टेलिटी के। डॉक्टर साहब बेशुमार पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर से आपको देख रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे गाइडलाइन लेना चाहेंगे, आप उनको सदका जारिया समझ कर मशवरा दीजिएगा कि रैबिट फार्मिंग करें तो क्यों करें, इसमें क्या फ़ायदा? देखिए ना, एक बंदा है 8 घंटे ड्यूटी करता है 30 दिन, वो 30,000 कमाता है, ठीक है, अब वो भी करे लेकिन उसका साइड बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो उसके 30-40,000 तक वो अर्न करे। और इसमें ये काम है, मैं ये नहीं कहता जिस तरह बाकी पोल्ट्री का हमारा 10,000 का गोल्डन मिश्री का भी शेड है, लेकिन उस पर आपको 24 आवर ड्यूटी चाहिए। इसमें वो एक बंदा जिस तरह मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह और भी किसी को कोई मसला नहीं होगा इसको करने में, जॉब वाला हो स्टूडेंट हो। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह।